राजधानी रायपुर में 6 जून 2024 को बड़ी संख्या में यातायात पुलिस कर्मियों का तबादला आदेश जारी हुआ था। जारी आदेश के मुताबिक एएसआई प्रधान आरक्षक और आरक्षक सहित 207 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर किया गया था। यह आदेश अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर ने जारी किया था। आदेश जारी होने के 20 दिन बाद भी कई थानेदारों ने कई हमराही को रिलीव नहीं किया है। रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे के भनपुरी यातायात थाने में और रायपुर नागपुर हाईवे के टाटीबंद यातायात थाना और रायपुर जगदलपुर हाईवे के पचपेड़ी नाका यातायात थाना में पुलिस के लाल डायरी कहे जाने वाली हिसाब किताब का ब्यौरा थानेदारों तक नहीं पहुँचने से आदेश की तामिली नहीं हो पाई है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि यातायात एडिशनल एसपी द्वारा जारी आदेश कब तक अमल होगा। आपको बता दें कि भनपुरी यातायात थाने में अभी भी 3 से 4 लोगों ने ट्रांसफर होने के बाद अपनी नवीन पदस्थापना स्थान पर नहीं गए हैं और वर्तमान पदस्थापना स्थान पर कुंडली मारे जमे हुए हैं। वहीं टाटीबंद यातायात थाने से कई यातायात पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर हुआ है, 20 दिन बाद भी अपने नवीन पदस्थापना स्थान पर ज्वाइनिंग नहीं दी है। इसके अलावा पचपेड़ी यातायात थाने में कई ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का तबादला आदेश जारी हुआ था, यहाँ भी कई ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने अपने ट्रांसफर स्थान पर ज्वाइनिंग नहीं दी है। अब सवाल यह उठता है कि ट्रांसफर के बाद भी कई ट्रैफिक थानेदार ट्रैफिक स्टॉप को रिवील नहीं किए हैं, वहीं एडिशनल एसपी के आदेश के 20 दिन बाद भी पालन नहीं हो रहा है। इस पूरे मामले में क्या बोले एडिशनल एसपी ओपी शर्मा, देखिए इस वीडियो में। सर, अभी 6 जून को आदेश जारी हुआ था ट्रांसफर को लेकर, लेकिन अभी बहुत सी ऐसी जगह हैं जैसे कि भनपुरी और टाटीबंद, वहाँ पर थाना प्रभारियों के द्वारा हमराही को छोड़ा नहीं गया और उनकी पोस्टिंग नहीं हुई, इसे लेकर क्या किया जा रहा है? प्रशासनिक दृष्टिकोण से लगभग 200 से अधिक अधिकारी कर्मचारी जो यातायात के हमने स्थानांतर आदेश जारी किया था। लगभग 80% से अधिक तो उसी दिन रवाना हो गए थे, कुछ बाकी थे जो आज दिनांक को ऐसा कोई कर्मचारी नहीं, जो अवकाश पर है वो ही कर्मचारी आज के दिन में अपने थाने में नहीं है। बाकी सभी आज के दिनांक में सभी जो संबंधित थाने हैं जहाँ जाना है वहाँ जाकर रवानगी ले चुके हैं। ट्रांसफर में तुरंत रवाना नहीं, कुछ प्रशासनिक काम रहते हैं जिसके लिए संबंधित कर्मचारी को कुछ दिन थाना प्रभारी रखा था, जो पूरा होने के बाद और सभी रवानगी मिल चुकी है। आज दिनांक को वही कर्मचारी रवानगी नहीं हुआ, मजमा हो गया है और जो अवकाश पर है वही बस अभी शेष है, बाकी सभी कर्मचारियों की रवानगी आज दिनांक को हो चुकी है। मेरा आखिरी प्रश्न सर, भनपुरी से खतराई की ओर नो एंट्री है, जो गाड़ियाँ आती हैं उनकी नो एंट्री के लिए, लेकिन ऐसी बहुत सी गाड़ियाँ हैं, करीबन मैंने ही देखा है जो 15 से 20 गाड़ियाँ से ऊपर है जो वहाँ पर आती हैं, पाटीदार के क्षेत्र जो एरिया है उधर पर दिखती, उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है? नहीं, नो पार्किंग नो एंट्री में लगातार कार्रवाई की जाती है, पिछले कुछ दिनों में लगातार हमने कार्रवाई किया गया है। अगर आपने जिस क्षेत्र का भनपुरी क्षेत्र के बारे में बोला है उस क्षेत्र में स्पेशली हमने संबंधित थाना प्रभारी को इंस्ट्रक्ट किया है, उसे अगर कार्रवाई की जाती रही संबंधित जो उस रोड है, क्योंकि मेन रोड है गाड़ियाँ चलती हैं, तो नो एंट्री शिकायत तो नहीं आई है, पर नो पार्किंग शिकायत आती रही है, तो हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं।